तो फिर उस लॉकडाउन में जब कोई किसी के पास नहीं जाता था उस टाइम हम लोगों ने एक गाना किया था वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से मीठा मीठा कमरिया और वो गाना 300 मिलियन करीब है कि चलो खेसारी जी के साथ एक गाना कर लो तो मैं गई खेसारी जी के साथ और स्क्रीन शेयर करने में बहुत डर लग रहा था मेरे तो, तो, तो बहुत बड़े स्टार है एक दिन में तीस मिलियन तो कहते पहले हम बाद सूखता से कुछ करा कोई लो पहले हम सूखता आगे पीछे

कहा बुतवलो है अगिया गोरी कि हरी हरी ओढ़नी तो हर छोटल कवना बगिया गोरी थैंक यू तो मुझे पूरा समझ नहीं आया मजा बहुत हम समझा दे समझाइए आप मुझे हम समझा दे यस ये गाना का ये मतलब बा कि केकर जगवलू है भगिया गोरी मतलब किसके लाइफ में आई और उसका भाग्य जग गया और जो तुम कपड़ा पहनी ओढ़नी पहनी हो, उतना डिटेल में तो नहीं बता पाएंगे हम लोग ये पवन जी ज्यादा बताएंगे इस डिटेल पे तो लड़की जाती है खेत पे कहते हैं अपने गांव में तो ये होता है खेत में जाती है तो उसका ओढ़नी कहीं गिर जाता है तो वही लड़का पूछता है कि केकर जगवलू हो भगिया गोरी कहां बुतलू हगिया गोरी कि हरी हरी ओढ़नी तहार छूटल कोना भगिया ये गोरी क्या इनके गाने जो है वो YouTube पे बहुत ट्रेंड करते हैं नंबर वन नंबर दो मेरी टीम ढूंढ ढूंढ के लाती है कि ये देखिए इनको पकड़ के लाइए तो आज फाइनली और पवन जी के साथ आपके ज्यादातर गाने होते हैं हाँ पवन जी के ज्यादातर मैं उनके साथ ही गाना करती हूँ बहुत सारे स्टार के साथ किया है मैंने लेकिन पवन जी ने फिल्मों में, में मेरे को लॉन्च किया है 2020 में जो फिल्म था हमार स्वाभिमान और गाना में 2020 से उनके साथ कर रही हूँ हालांकि जानती तो बहुत ढूंढा था पवन जी ने आप पवन जी की खोज <laughs> पवन जी की खोज मतलब

हमने हाँ हमारी इच्छा बागीरो के साथ तुम गाना करी तो फिर उस लॉकडाउन में जब कोई किसी के पास नहीं जाता था और उस टाइम हम लोगों ने एक गाना किया था वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से मीठा मीठा बटे कमरिया ओ और वो गाना 300 मिलियन करीब है तो पवन जी उस टाइम मेरे को दिए चांस और मैंने काम कर लिया मैं इच्छा था उनके साथ काम करने चांस पे आपने एकदम डांस कर दिया और उसके बाद जो है आप वायरल हो गई हैं एकदम कि इनके गाने जो हैं वो धूम मचा देते हैं अच्छा आ, ये बताइए कि आपने शुरुआत कैसे की थी मतलब गाने का शौक ही बचपन से था एक्टिंग का शौक था या ये कीड़ा जो होता है कलाकारी का कीड़ा ये काटा कैसे अ मैं पहले ना गाने का शुरुआत मैंने किया था बनारस से तो मेरी मम्मी भेजी थी कि वहां जाके पढ़ाई करो बट मैं पढ़ाई की नहीं और गाना गाना ही स्टार्ट कर दी मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे जो घाट के किनारे अस्सी घाट पे बैठ के गाते थे तो मेरा भी इच्छा था कि मैं भी गाऊँ तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के और मैं गाने लगी गा गाते गाते फिर मैं आई दिल्ली में हालांकि दिल्ली से भी मैं पढ़ी हूँ यू के जी एल के जी फोर फाइव तक वहीं पढ़ी हूँ फिर हम गाँव चले गए थे बलिया तो वहाँ पे गई तो मुझे तो मनोज तिवारी जी के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला हालांकि उस टाइम मैं गाती थी अभी भी थोड़ा बहुत गाती रहती हूँ तो नितिन गडकरी जी के हम लोग शो करने गए थे मनोज जी के साथ तो मनोज जी की भी आ, मिलना इतना आसान नहीं था मेरा वो भी किसी के थ्रू ही मिली थी मैं मनोज जी से तो वहाँ पे गई मैं प्रोग्राम वोग्राम की गाना वाना गाई तो बोले कि बहुत अच्छा गाती हो उसमें ही कोई एक लोग थे बोले कि तुम एक्टिंग भी करो तो मैंने कहा कि मेरे को तो एक्टिंग आती नहीं है तो कैसे क्या होगा और ना डांसिंग का उतना शौक था मुझे फिर उन्होंने मेरे को खेसारी जी से मिलवाया कि चलो खेसारी जी के साथ एक गाना कर लो तो मैं गई खेसारी जी के साथ और स्क्रीन शेयर करने में बहुत डर लग रहा था मेरे को तो कि बहुत बड़े स्टार है और उस टाइम 2016 की बात है ये 2015 में आई है सोलह में मैं उनके साथ काम की तो वो बोले कि हालांकि वो मेरे को इतना ऐसा फील नहीं करा है कि बहुत बड़े स्टार है और मैं कुछ नहीं हूँ उनके आगे तो मैं उनके साथ गाना की और ऐसी कमरे में बैठे थे हम लोग तो कैमरे से मोबाइल के कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हुआ रिकॉर्ड हुआ तो डाले यूट्यूब पे और वो एक दिन में तीस मिलियन एक दिन में 30 एक दिन में अभी तो एड वेड लगा के सबका गाना होता है बहुत ऐसे लोग हो है कि दिखाता है कि मेरा सौ सौ मिलियन गाना है दो दो सौ मिलियन और उस टाइम एड और ट्रेंडिंग नहीं था ट्रेंडिंग था मतलब ये म्यूजिक का अलग और ऑल सारी चीजें अलग होती है तो वो गाना वायरल हुआ उसके बाद मैं कंटिन्यू खिसारी जी के साथ काम करती रही करती रही फिर 2019 और 20 में फिर पावर जी के साथ मैंने काम किया तो जब खिसारी जी के साथ पहला गाना हिट हुआ उसके बाद पॉपुलैरिटी बढ़ी या उसके बाद काम मिलना शुरू हुआ वो कैसा दौर रहा आपके लिए उस टाइम मेरे को चेहरे से लोग जानते थे नाम से नहीं आ, जैसे अभी नाम से जानते कि डिम्पल सिंह yes. उस टाइम ये था कि एक लड़की है और खेसारी जी के गाने पे इसने डांस किया था तो काम भी मैं कंटिन्यू खेसारी जी के ही साथ करती हालांकि बहुत हेल्प किया उन्होंने प्रोग्राम करना लेके जाना क्योंकि गाना भी गाती थी मैं फिल्में उनके साथ नहीं क्यों और कंटिन्यू उनके साथ एल्बम वगैरह सारा चीज की हूँ मैं तो फिर जब पवन जी के साथ पहला गाना मिला गाना पहले मिला था फिल्म पहले मिली पहले गाना मिला था पहले गाना, पहले गाना। वो गाना। कैसे मिला अब बहुत बताया तो मैंने कि मैं लॉकडाउन में घर पे थी और मैंने मैसेज किया पवन पुत्र के सेट पे मिले थे हम उसके बाद मैंने मैसेज किया कि सर हम ये गाना करें के बाद मतलब पहले तो मैसेज में मान गए वो मैं से जानते थे हालांकि अच्छा। हम लोग मिले हुए थे पहले से तो उन्होंने बोला करबू तो आ जा रहा तो फिर हमारा गए और वो गाना किए लॉकडाउन में वो लॉकडाउन में तीन सौ मिलियन गाना चला गया बड़ी बात है नहीं तो मैसेज का इतनी जल्दी जवाब देते नहीं है किसी नहीं देते न, आपका देते होंगे ना वैसे लॉग हाँ, वैसे वैसे नहीं तो मेरे इंटरव्यू में किसी ने बोला था कि उनको मैसेज करते रहे करते रहे करते रहे सालों जवाब जो है वो नहीं बहुत अच्छे है वो पता है वो बाहरी इंटरव्यू किया हाँ वो वो बहुत अच्छे हैं लाइक दिखेगा ना कि बहुत खड़ूस चेहरे से अब अब जो कुछ भी कर देंगे लेकिन वो जो बंदा है ना शायद इस दुनिया में वैसा कोई नहीं होगा इतना सॉफ्ट और आज के दौर में इतना सीधा मेरे हिसाब से नहीं, ऐसा है क्योंकि उनका एक खौफ है तवंग इमेज है मैं मिला हूं हाँ मैं मिला हूं मैंने तो मतलब उनके साथ मेरा शायद जो इंटरव्यू है वो खूब वायरल हुआ मैं उनसे हाँ, मैंने उनसे ऐसे ऐसे सवाल मैंने किसी ने नहीं पूछे ठीक है मुझे भी वही लगा जो आपको लगा लेकिन ऐसा है क्या कि भाई एक खौफ है कि कुछ मत लेना अरे कुछ तो है कुछ तो होना चाहिए होता है। वो वो जो चलते हैं तो आपको कभी डर नहीं लगा जब आप शुरुआत में भी मिली उनसे हाँ मुझे डर लग रहा था जब मैं शूट कर रही थी ना तो मुझे ऐसे पकड़ने में भी डर लग रहा था कि कहीं कुछ ना दे हालांकि अब अब नहीं लगता उतना अब सही है अब फ्रेंक रहते हैं हम लोग मजा आता है काम करके मतलब तो उनके साथ गाना करती हूँ ना तो ऐसा लगता है मैं अपने घर का काम कर रही हूँ वो बैठे रहे तभी म्यूजिक मैं काट लूंगी मतलब तो म्यूजिक का गाना होता है कि म्यूजिक किससे करा लो वो बैठे हुए हैं तो मजा आता है मुझे उनके साथ काम करके आप उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या लगती है एक्टिंग या गायकी या कुछ और एज ए ह्यूमन एक्टिंग भी कमाल के करते हैं और गायक तो बता ही नहीं सकती वो तो वो दुनिया तो वो तो दुश्मन भी दिवाना है सो गए हाँ। शाम तक सोए थके तो सब लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो हो गई और वो सो रहे थे फिर उन्हें हम जगाया कि भाई तब मैं उनको उतना नहीं जानता था तो लेकिन जब वो उठे उन्होंने आधे घंटे का परफॉर्मेंस दिया हम में से कोई ज्यादा भोजपुरी नहीं समझता अच्छा। किसी को समझ कुछ नहीं आ रहा था लेकिन सब नाच रहे थे सब एंजॉय कर रहे थे तो ये एक कहीं ना कहीं उनकी जबरदस्त खासियत है कि जब गाना शुरू करते हैं तो फिर मतलब आप सुनते हैं हाँ सुनते हैं और उनका मैंने देखा इवेंट भी करने जाते हैं है ना हम लोग साथ में तो कहते पहले हम सुनता बाद से कुछ करा कोई कराइया पहले हम आगे पीछे आराम अच्छा। <laughs> तो कर, मतलब हाँ। हाँ। कर लूंगा बॉडी है कि मैं अब काम कर सकता। तो ही बहुत मजेदार और बहुत अलग लेवल से काम करते हैं वो और एक दिन में कभी मूड करेगा तो एक गाना शूट करेंगे नहीं तो एक दिन का एक गाना तीन चार दिन में कर लेंगे वही तो उनका मूड बहुत फेमस है मुझे इंटरव्यू दिया तीन दिन लगाए थे तीन दिन लगाए थे देखा हाँ। फिर बोले कि अब मूड बन गया है अब भैया हम आपसे बात करेंगे और एकदम जो है तो आपका तो और उनमें उन और लोगों में फिर क्या फर्क रह जाएगा इसीलिए वो किंग किंगी है आपको तो एक और आपने एक बार स्टेज पे बोला भी था कि साली है उनकी छोटी साली वो <laughs> मजाक में बोले थे हालांकि उनका शादी बलिया में हुआ है मैं भी बलिया की ही हूँ तो वैसे ही बस जीजा जीजा तालीम तो हो गया एक खबर ये भी आ रही है कि फिर से वो अपनी वाइफ के साथ मैं बहुत खुश हूँ कि वो लोग एक हो गए और भगवान करे कि एक हो जाए क्योंकि बलिया की लड़की है और हम भी बलिया के हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी लड़की का घर उन्होंने ऑफिशियली कुछ नहीं बोला है बट हाँ भी नहीं बोला है बट डी पी देखा बहुत अच्छा लगा मैं बधाइयां भी दी हालांकि मैं ही पोस्ट की थी पहले और मुझे नहीं लगता किसी ने पोस्ट किया होगा मैं पोस्ट पोस्ट करके बधाइयां दी और मैं चाहूंगी भगवान से विनती है मेरा की दोनों एक हो जाए और घर बस जाए बिल्कुल अच्छा ये बताइए कि जब पवन जी के साथ गाने मिलने शुरू हुए जब आप इतने बड़े स्टार के साथ काम करते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी का आपको भी फायदा मिलता है आपको भी लोग उतना पहचानने लगते हैं। फिर जिंदगी जो है वो किस तरह से बदली मेरा बोला तो पहले मेरे को फेस से जानते थे अब मुझे पवन जी की वजह से मुझे नाम मिला है तो वो आजीवन में उस आदमी की शुक्रगुजार रहूंगी कि वो उन्होंने मेरे को इस काबिल बनाया कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो कोई बोलता है कि अरे डिम्पल इंडिया तो बहुत अच्छा लगता है उससे मेरा कहने का मतलब फैमिली का क्या रिएक्शन रहा माँ मॉनिटरी वाइज पैसों वाइज आपने कितना ग्रो किया मतलब एक होता है ना जिंदगी जब हम एक स्टार बन जाते हैं हुँ. और एक आम आदमी होते हैं तो बहुत फर्क होता है नाम आपको मिला बट और जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए बहुत सारी चीजें हुई और मेरी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरे मेरे पैसे से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं जो भी करना होता है मैं खुद के कमाती हूँ खुद ही करती हूँ हालांकि देती भी हूँ लेकिन मम्मी मुझसे पूछती है भाई लोग मुझसे पूछता कि कुछ चाहिए होगा तो बोलना तो घर की लाडली भी हूँ तो मुझे हालांकि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं घर मेरा बहुत अच्छा है अच्छी फैमिली से हूँ तो सब सारे लोग अच्छी फैमिली से होते हैं तो जरूरत नहीं पड़ा मुझे अब बचपन में शरारती थी सीधी सादी बच्ची थी किस तरह के बचपन रहा ना मैं सीधी बचपन में थी ना अब हूँ ना कभी आगे होंगी मैं जो हूँ कहते ना कि खारा मारब तो मुंह पे और तारीफ करब पे ये वाला सिस्टम कांड कोई बचपन बचपन कुछ याद है कोई ऐसा कांड जब घर पे डांट पड़ी हो या घर वालों से छुपाना पड़ा हो कि भैया हम सबने किए होते हैं हाँ मैं लग जाए मेरे भाई से टसन रहता था छोटे वाले से मतलब मैं उसी की बदौलत में चाहती थी कि पुलिस बनूं और मेरे घर पे भी लोग चाहता था कि पढ़ लिख के अच्छे पोस्ट पे हो जो कि हुआ नहीं तो भाई का एक बार मैंने मार के सर फोड़ दिया, था। सरी दिया था। <laughs> कुछ तो तलाया और फूट गया उसका सर तो उस टाइम मार भी नहीं पड़ा मुझे उसी को मार पड़ा कि तुम ही ने कुछ किया होगा तो बहुत डांट बहुत पड़ी थी मुझे और उस टाइम से हम दोनों भाई ऐसा लगता था कि भाई बहन दुश्मन है वो जिस थाली में खाता था मैं उस थाली में नहीं खाती थी कि इसने इसमें खाया मैं नहीं खाऊंगी होता है भाई बहन होता है दिल्कुल, दिल्कुल। और अब हम लोग तो इतने क्लोज हैं दोनों भाइयों से बहुत क्लोज हूँ क्योंकि अगर जो भी बोल दूं मैं कि मुझे आज ये करना है चाहे इस तकलीफ में हो मेरे बेस्ट फ्रेंड है वो मम्मी भाभी इनके अलावा कोई नहीं अच्छा आ, अब आप गाती भी हैं एक्टिंग भी करती है इंजॉय कैसे ज्यादा दोनों में दोनों फिर दोनों। भी कोई एक अगर हो कि इसमें या ज्यादा मजा आ रहा ज्यादा गाने पे फोकस करती हूँ मैं लेकिन कर नहीं पाती हूँ क्योंकि फिल्में होती हैं एंड इवेंट्स होता है तो गाने में मजा आता है बहुत कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छा गाऊं अगर कोई बहुत बड़ा सिंगर सामने खड़ा हो तो मैं भूल ही जाती हूँ कि तो मैं क्या गाऊं गाते गाते भूल जाती हूँ तो है थोड़ा इसका है लेकिन दोनों में मजा आता है भूलिए कभी पवन जी के आगे भूली हूँ या और किसी बड़े सिंगर के आगे पवन जी के आगे भूल जाती हूँ मैं भूल जाती हूँ क्या रिएक्शन रहता हूँ

छिप जाता है किसी का छप जाता है तो जो खुलियाम करता है जो रहता है तो उसका बता है दारू पी जाता तो दारू पी क्या क्या <coughs> प्रणाम प्रणाम संस्कार मतलब सं, बहुत संस्कारी बन रहा है तो उसका छिप जाता है जो खुलियाम पीता है उसका देख जाता दारू हर कुछ नहीं मैंने पें पें थी मैं एक बार मैंने ट्राई किया था पार्टी में और मैं बताऊंगी किस बहुत बड़े स्टार ही जब पी तो मैंने उनको उन्हीं पे चढ़ गई थी मैंने कि तुम इस स्टार नहीं हो तो <laughs> नहीं, <laughs> नहीं बोला हटावा <laughs> नहीं, 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 नहीं। <laughs> तो अगर ऐसे हाथ दिया है किसी ने और आप देख रहे हैं कि इसने मेरा हाथ दिया खुश हो गए और जस्ट ऐसे किए बस ये कर रही है आप फिसल के नीचे आ जाओगे तो हमारी इंडस्ट्री में एकता नहीं है चाहे वो कोई भी स्टार हो बड़ा सा बड़ा हो छोटा से छोटा और मेडिय, मीडियम से मिड चंपू चमचे चमचे हाँ जिनकी आ, क्या कहते हैं कि नाम हटा दिया जाए ना तो कीड़ा भी ना पूछे उन लोगों को ऐसा वाला सिस्टम है तो वो अरे नहीं करना चाहिए आपको ऐसी ही आपको वो मतलब मन तो करता है कि मैं क्या कर दू लेकिन बहुत शान मारब तो मुंह पे और तारीफ परब तो मुंह पे ये वाला दारू कौन नहीं पीता है ही बोला कि हमारी लड़कियां ना जाएं, हमारी लड़कियां ये ना करें तो मैं, मैं हम हम लोग में भी गलतियां हैं हमें हर किसी के साथ काम करना चाहिए हम एकदम ऐसे हैं कि नहीं हम इनके साथ ही है हमें नहीं जाना है और उधर तो अरे भाई बता क्या बात है